Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes. अच्छा तो आपकी बायोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है, बल्कि शुरू हो चुकी है. तो आप इस तरह कर ले, बुक्स ओपन करें, जल्दी पेज नंबर 4 निकालें. लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी. बायोलॉजी का लिंक, बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी फील्ड्स के साथ. फर्स्ट हमने इसमें स्टडी किया था बायोफिजिक्स, जो कि बायोलॉजी और फिजिक्स का आपस में रिलेशन है. किस तरह रिलेशन है? बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं और फिजिक्स में जो है हम मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बायोफिजिक्स वजूद में आता है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एप्लीकेशन फिजियोलॉजी में, बायो एनर्जेटिक्स में, न्यूरो साइंस में, फार्माकोलॉजी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों में ये इस्तेमाल होता है. और इसके अलावा सिंपल एग्जाम्पल क्या है, डेली लाइफ में फोटोसिंथेसिस फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लाइट की एब्जॉर्प्शन, लाइट किस तरह एब्जॉर्ब यानी जज्ब होता है, प्लांट्स कैसे सनलाइट इस्तेमाल करते हैं. तो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, वो सनलाइट के जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो लाइट जो है इस्तेमाल होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में. तो ये भी हमें बताता है फिजिक्स. जब हम फोटोसिंथेसिस का सारा मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हम उसमें यही लॉज अप्लाई करते हैं. इसके अलावा डेली बेस पे फिजिक्स और बायो का रिलेशन सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, एक्सरेस, ये सारे जो हैं टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में, और इनका जो रिलेशन है वो फिजिक्स के साथ है. तो इन दोनों की वजूद से बायोफिजिक्स बनता है. अच्छा, ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है. बॉडी में कोई भी डिफेक्ट, कोई फर्क, इसकी वजह से हम मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किडनी स्टोन है या फिर कोई फ्रैक्चर है किसी बोन में, तो वो हम मालूम करते हैं एक्सरे की मदद से. तो ये एक्सरे लिया हुआ है और इसमें फिर डॉक्टर को पता चलता है कि बॉडी में किसी खास पार्ट में जिसका हमने एक्सरे लिया हुआ है उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा फर्क है. नेक्स्ट, ये इसमें जो है सिटी स्कैन वगैरह, इसमें ये होते हैं चीजें. तो फिजिक्स वाले रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लिंकेज है वो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री, जिस तरह हमें नेम से ही पता चलता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक दूसरे के साथ रिलेशन है. बायोलॉजी में हम वही लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम डिफरेंट कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर, उनका सब कुछ प्रॉपर्टीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. डेफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स. मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हमें बताता है. कौन से कंपाउंड्स? वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स की बॉडीज में मौजूद होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, ये सारे जो हैं, ये डीएनए, आरएनए जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारी बॉडीज में, प्लांट्स की बॉडीज में, इसके अलावा एनिमल्स की बॉडीज में ये कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. तो इन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शंस, इनका स्ट्रक्चर, सब कुछ ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर. और ये चीजें चूंकि लिविंग थिंग्स की बॉडी में भी मौजूद हैं, तो हम केमिस्ट्री को साथ मिलाकर बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं. एंड द प्रोसेसेस और वो सारी रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग थिंग्स की बॉडीज में रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, किस तरह प्रोटीन्स बनते हैं, ये कोई रिएक्शन है. हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस क्या है? जब प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज
अपना जो उनका खुराक है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो रिएक्शन सारे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन जी लिविंग थिंग की बॉडी में प्लांट में हो रहा है तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, वहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अदर द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ये रिएक्शंस हैं उसको हम पढ़ते हैं, रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन रिएक्शंस को डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग थिंग्स, तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अदर कंपाउंड जैसे डीएनए है या फिर आरएनए है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का जो है उसमें डिफरेंट जो चीजें होती हैं उनके ये कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज है, तो सारे स्ट्रक्चर फार्मूलाज उनका जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स ये सब चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन डीएनए हमारी बॉडी में है, प्लांट्स की बॉडी में है, तो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, तो हम इसको पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट ये दूसरा जो फैक्टर है ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है जिसको हम कहते हैं C6H12O6, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स की बॉडीज में ग्लूकोज मौजूद होता है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है और ये स्ट्रक्चर सारे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी में यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किस तरह कंप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं और अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एनवायरनमेंट से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स में है, प्लस वाटर, वाटर प्लांट्स लेते हैं रूट्स की मदद से सॉइल से, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि मोस्टली लीव्स में होता है, और ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देता है। अब ये रिएक्शन किस तरह हम देखते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर का फॉर्मूला है, इट गिव्स अस C6H12O6 जो के ग्लूकोज है, प्लांट्स का खुराक है, प्लस 6CO2, एक रिएक्शन में हमें ये चीजें मिलती है। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों कैसे कंबाइन होते हैं और फिर उनसे ग्लूकोज प्लस O2 प्लस स्मॉल फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस कुछ अमाउंट ऑफ CO2 किस तरह बनता है, तो ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है किस चीज में, लिविंग थिंग्स की बॉडी में, तो इस लिहाज से हम फिर डिस्कस करते हैं इसको बायोकेमिस्ट्री में। तो बायो मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन है यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हम लिंकेज पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी का। बायो जियोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स से, तीन अल्फाज से बायो जियोग्राफी बना है। बायो means life या living things, जीव का मतलब है अर्थ जमीन, ग्राफी का मतलब है scientific study of earth या description of the earth। Biogeography का मतलब क्या होगा, literal meaning bio means life, जीव means earth, ग्राफी means study of earth, जमीन की study करना। Definition क्या होगी, पहले आप अपनी एनवायरमेंट में अपने माहौल में नजर दौड़ाएं तो आपको डिफरेंट किस्म के प्लांट्स एनिमल्स जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, हर जगह का बायोडाइवर्सिटी खास फासले के बाद डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सहराओं में अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी होता है, इसके अलावा दरियाओं में समंदरों में जहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट है जहाँ पर पानी होता है तो वहां पर एक अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा पहाड़ों में अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी है, इसके अलावा पोल्स में जो इंतहाई कोल्ड एरियाज हैं वहां पर अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, तो हर जगह बायोडाइवर्सिटी दूसरी जगह से डिफरेंट है।
डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि जो जमीन का जो सरफेस है हर जगह सेम नहीं है, हर जगह जो एटमॉस्फेरिक या वेदर कंडीशन है वो भी हर जगह पर सेम नहीं है, तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने हर माहौल के लिए खास किस्म के स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी मुंतखब किया है। तो उस लिहाज से बायोजियोग्राफी का ब्रांच वजूद में आता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ एरियाज में या फिर मुख्तलिफ टाइम में, ये क्यों है, वजह उसकी क्या है? बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है, जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो हर जगह सेम नहीं है, तो हर एक एरिया के लिए अल्लाह ताला ने एक खास किस्म का बायोडाइवर्सिटी बनाया है। डेफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस। अक्रेंस मीन्स वाक़ होना, मौजूद होना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मुख्तलिफ अकसाम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ अकसाम की डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उनका अक्रेंस, कौन से एरियाज में किस किस्म का बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है और वो क्यों अलग अलग है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं तो उनमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है। ये एक पूरा सिंपल सा आपके पास सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें आप देखिए पोल्स पे अलग किस्म का आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, आपको एक्वाटिक हैबिटेट अलग मिलेगा, सहराओं में आपको अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, इसके अलावा जो है कोल्ड एरियाज में या फिर वार्म एरियाज में अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। तो हर जगह पर लिविंग थिंग्स जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग स्पीशीज है, और वो स्पीशीज उस खास एरिया के लिए क्या है, एडॉप्टेड है, उनकी सलाहियतें एक खास एरिया में अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर की है। फॉर एग्जाम्पल हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं कि सपोज जो पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर वो इंतहाई सर्द एरियाज में पोल्स पे क्यों मौजूद है। इसके अलावा सपोज हम पढ़ते हैं फिश जो है वो पानी में क्यों है, सहराओं में अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी क्यों है, तो सपोज इसके अलावा हम पढ़ते हैं जो मस्कीटोज हैं वो डैम्प और वार्म एरियाज में क्यों पाए जाते हैं, तो उनकी सर्वाइवल के लिए एक खास कंडीशन रिक्वायर होता है जो अल्लाह ताला ने उस खास एरिया में रखी होती है, तो इस वजह से वो लिविंग थिंग्स वहां पर पाए जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी उनका जो अक्रेंस है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, इसको हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जो वर्ल्ड में मौजूद है। तो ये हमारे पास हो गया बायोजियोग्राफी में। तो इसमें हम सिंपली ये स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुई है, हर जगह बायोडाइवर्सिटी सेम क्यों नहीं है, और उसकी रीजन ये सब हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है ये है आर्कटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, ये मुख्तलिफ किस्म का ये जियोग्राफिक एरियाज है, और हर एरिया में आप देखें बायोडाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग है। ये नॉर्थ अमेरिका, उनका बायोडाइवर्सिटी आप देखें, फिर जो है आप साउथ अमेरिका का बायोडाइवर्सिटी देखें, अफ्रीका का आप देखें, इंडियन ओशन का देखें, एशिया का आप बायोडाइवर्सिटी देखें, यूरोप का देखें, तो हर जगह का बायोडाइवर्सिटी उनमें स्पीशीज जो है वो अक्सर लिविंग थिंग्स से अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? बिकॉज जमीन का जो सरफेस है, जो वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो हर जगह सेम नहीं रहता, इस वजह से लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उस लिहाज से डिफरेंट जगहों में हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिंकेज है उसको हम कहते हैं बायोस्टेटिस्टिक और बायोमेट्री, इसको हम बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। बायोस्टेटिस्टिक और बायोमेट्री क्या है? बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्टेट मीन्स एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। बायोस्टेटिस्टिक क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। मतलब है स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल या मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बायोलॉजी में। डिफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को, फार्मूलाज को इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैथमेटिकल फार्मूलाज या मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल टेक्निक्स को बायोलॉजी में इस्तेमाल करना, ये बायोस्टेटिस्टिक्स कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई साइंटिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट कोई रिसर्च करता है किसी भी चीज पे। सपोज हम फर्ज करते हैं डिस्ट्रिक्ट पेशावर में मलेरिया की जो डिजीज है कितनी कॉमन है या कितनी अनकॉमन है, तो पहले ही साइंटिस्ट जो है वो उसको रीड करता है, डेटा कलेक्शन करता है, फिर डेटा कलेक्शन के बाद वो अपना फाइनल जो उसका रिजल्ट है वो पेश करता है। तो उस फाइनल चीज के लिए वो क्या करेगा, वो मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करता है और फिर वो अपनी उस रिसर्च का जो कंक्लूजन है उसको ग्राफ की शिकल में, उसको जो है परसेंटेज की शिकल में या फिर रेशियो प्रोपोर्शन की शिकल में या फिर इसी तरह बार ग्राफ पाई चार्ट मुख्तलिफ तरीकों से वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज का ये मैथमेटिक्स के सारे इक्वेशंस फार्मूलाज है, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल किया लिविंग थिंग्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, तो ये बन जाता है बायो स्टेटिस्टिक या इसको हम बायोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्शन एंड देन इट्स एनालिसिस, उसकी एनालिसिस करना बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूले। मैथमेटिकल फार्मूलाज की मदद से कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद उसको एनालाइज करना। एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में हम रेशोस में पढ़ते हैं, वही रेशो हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में, रिसर्च में प्रोपोर्शन हम इस्तेमाल करते हैं, हम ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी मैथमेटिक्स है हम मोस्टली उसको बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अलग जो है ब्रांच है और उसको हम बायो स्टेटिस्टिक या बायोमेट्री कहते हैं। आमतौर पर जब आप एफ एस सी करोगे फिर उसके बाद आप चले जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल पे बी एस करोगे तो फिर बी एस में या फिर जिसको हम बैचलर ऑफ सब्जेक्ट है उसमें या फिर मास्टर्स लेवल पे रिसर्च एक होता है सब्जेक्ट में। तो रिसर्च जब आप करोगे उस रिसर्च के लिए आप अलग से एक फील्ड एक कोर्स आप पढ़ोगे और उस कोर्स को कहते हैं बायो स्टेटिस्टिक। तो उस बायो स्टेटिस्टिक में आप डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस फार्मूलाज और उनका इस्तेमाल पढ़ोगे और फिर उन चीजों को फाइनल अपनी जो आपका जो रिसर्च है उसमें आप इस्तेमाल करोगे। तो ये बायो स्टेटिस्टिक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के लिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स मईशत के लिहाज से, जिसको हम वेल्थ कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई पोल्ट्री फार्म वाला है या फिर कोई फिश फार्म वाला है या फिर कोई आम जमींदार है जो कि कोई फसल काश्त करता है या फिर पोल्ट्री फार्म पे इन्वेस्ट करता है पैसों को या फिर किसी भी फसल पे किसी भी फार्म पे किसी भी लिविंग थिंग पे वो अपने जो उसका जो वेल्थ है इकोनॉमी वो इन्वेस्ट करता है। फिर फसल काश्त किया उसने और फिर उसने उसको बेचा, उसके बाद वो ढूंढता है वो निकालता है किस तरह उसने जो है सपोज उसने प्रॉफिट किया या फिर उसने लॉस किया, उसको फायदा हुआ या उसको नुकसान हुआ। तो फायदा मालूम करना नुकसान मालूम करना इसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस इसको हम मालूम करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिविंग थिंग को क्या किया, रीड किया, ये बाय इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म नेक्स्ट जो है फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस। अब पोल्ट्री फार्म में सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद लास्ट में किसी ने नफा किया या फिर किसी ने नुकसान किया पैसों के लिहाज से वेल्थ के लिहाज से, तो वो हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो बायो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम किस तरह ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं। ये पोल्ट्री आपके सामने पिक्चर है, तो इस पर कितना खर्च आया था सब कुछ मिलाकर, फिर जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और पोल्ट्री फार्म वाले ने उनको फरोख्त किया बेच दिया, फिर उनके पास जो पैसे आए वो नुकसान उन्होंने किया या फिर उन्होंने नफा किया। इसके अलावा कोई जो है जमींदार है वो किसी फसल को काश्त करता है, कोई और इस तरह लिविंग थिंग कोई और फॉर्म है, तो उसमें वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मालूम करते हैं, इसको हम बाय इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
अच्छा, तो ये हमारे पास वो सारे लिंकेजेस थे जो बायोलॉजी का डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स के साथ थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1.4, पेज नंबर, इसी पेज नंबर 5 पे है और उसको हम कहते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब है अगर कोई कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो फ्यूचर में आगे जाकर कौन सा वो पेशा जॉब वो कर सकता है, कौन सा वो पेशा इख्तियार कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। बहुत सारे कैरियर्स हैं, जो कुछ अहम हैं वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि स्टडिंग बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवॉर्डिंग एंड एक्साइटिंग। देयर आर सेवरल कैरियर मींस पाथ्स वन कैन फॉलो इज बायोलॉजिस्ट। अगर कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो किस फील्ड में जा सकता है, कुछ अहम जो कैरियर्स हैं, फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। फर्स्ट क्या है? मेडिसिन एंड सर्जरी। कोई बंदा जब बायोलॉजी पढ़ता है तो पहले वो किसी मेडिसिन या सर्जरी फील्ड में जा सकता है। अब मेडिसिन क्या है, सर्जरी क्या है, आगे हम डिस्कस करते हैं। मेडिसिन मींस इट डील्स विद द डायग्नोसिस, एक वर्ड क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन मींस इट डील्स विद द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मींस मालूम करना, तशखीस करना एंड ट्रीटमेंट इलाज करना ऑफ डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करना। मेडिसिन मींस इट डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोजिंग ऑफ डिजीजेस। स्टूडेंट्स आपको जल्दी बता दें, आपको आवाज आ रही है, चैट में बता दें आवाज आ रही है आपको। एक स्टूडेंट चैट में बता दें आवाज आ रही है आपको। अमीन माशा जी पूछो। अच्छा, तो मेडिसिन एंड सर्जरी, तो मेडिसिन क्या है, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मेडिसिन में हम बीमारियों की तशखीस और उसके इलाज के बारे में पढ़ते हैं। सर्जरी में क्या है, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की रिपेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल आई में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी और पार्ट में कोई मसला है, तो हम उसको रिपेयर करते हैं, फिर रिप्लेस द, सपोज किसी का बोन टूट जाए उसको रिपेयर करते हैं, या फिर किसी की आई का लेंस खराब हो जाए तो उसको हम रिपेयर करते हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिपेयर करते हैं, या फिर उन डिफेक्टिव या खराब पार्ट्स को हम क्या करते हैं, डिजीज पार्ट हम रिप्लेस करते हैं विद द न्यू एंड हेल्दी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी के किडनी फेल हो जाए तो हम उसको ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट है, या फिर किसी का हार्ट फेल हो जाए तो हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर लीवर फेल हो जाए, लीवर का पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए तो हम लीवर को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो दे आर रिप्लेस्ड विद द हेल्दी पार्ट्स और रिमूव, या हम उसको रिमूव करते हैं, तो हमने ओल्ड को रिमूव किया, ओल्ड किडनी को, और उसकी जगह हमने नया किडनी सपोज ट्रांसप्लांट किया। तो सर्जरी में हम ये पढ़ते हैं, और मेडिसिन में हम सिर्फ बीमारियों का क्या करते हैं,
पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको आप कहते हो MBBS डॉक्टर जो होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो वो सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज करता है, फिर जब वो स्पेशलिस्ट बनता है तो उसको हम सर्जन कहते हैं, फिर वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को रिपेयर, रिप्लेस या उसको रिमूव भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनी, फॉर एग्जाम्पल किडनी में कोई स्टोन है और उस स्टोन को हम रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उसकी रिमूवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सर्जिकल तरीका, जो कि डॉक्टर्स अपनाते हैं, उसके फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को क्या करना, ट्रांसप्लांट करना। सपोज किसी के किडनीज फेल हो गई तो उन किडनीज को हम बॉडी से रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम सही हेल्दी किडनीज जो किसी डोनर से हम लेते हैं, कोई डोनर देता है, कोई किसी को डोनेट करता है, तो वो किडनीज हम वहां पर लगाते हैं। तो किडनीज की ट्रांसप्लांटेशन ये डॉक्टर्स करते हैं और ये हम पढ़ते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में। तो जब कोई मेडिसिन सॉरी जब कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो वो मेडिसिन और सर्जरी में जा सकता है, तो वहां पर उसका काम क्या होगा, डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज प्लस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट, बोथ आर स्टडीड, कोई इंसान कोई स्टूडेंट मेडिसिन और सर्जरी में कब जाएगा, बोथ आर स्टडी इन MBBS, MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th क्लास के बाद, जब 12th क्लास तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे, अच्छा तो एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जब कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो वो मेडिसिन और सर्जरी में जा सकता है। रिपेयरिंग ऑफ द पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, सपोज किसी का बोन क्रैक हो गया या फिर टूट गया और डॉक्टर उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसको सपोज उसमें राड लगवाते हैं या फिर वो प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो ये रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट है। या फिर सपोज किसी की आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है तो लेंस ठीक करवाते हैं या फिर लेंस जो है वो चेंज करवाते हैं, तो रिपेयर हुआ या फिर उसको रिप्लेस किया। बोथ आर स्टडी इन MBBS आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वन कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन। MBBS का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो कोई बंदा MBBS करता है तो वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेगा डिजीजेस का, लेकिन जब वो उसके साथ फिर स्पेशलाइजेशन करेगा तो आपने देखा होगा अलग फिर डिजीजेस के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन का अलग स्पेशलिस्ट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट का, फिर कार्डियक स्पेशलिस्ट हार्ट का, फिर जो है सपोज किडनीज का अलग होता है, आईज का, नोज का, थ्रोट का अलग अलग होता है। तो ये क्या, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो डायग्नोसिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट या रिमूवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। अच्छा, तो किडनी को रिमूव करना या फिर नई किडनी वहां पर लगाना, फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी सिंपल सी एनिमेशन है कि डायग्नोजिंग उसके बाद ट्रीटमेंट में या फिर रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी में किस तरह डॉक्टर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें और फिर अपना क्वेश्चन पूछें। अच्छा, मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन का मतलब है डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारी का तशखीस करना और उसका इलाज बताना, जो कि आमतौर पे MBBS डॉक्टर करते हैं। और सर्जरी में फिर
डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, किसी भी डिफेक्टिव या खराब या डिजीज पार्ट को रिपेयर, रिप्लेस या रिमूव करते हैं। अच्छा, होमवर्क नोट कर लें अपने साथ, होमवर्क नोट कर लें। जो सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच मॉर्फोलॉजी से लेकर पैलियंटोलॉजी तक, अपने साथ होमवर्क नोट कर लें, टिक लगाएं बुक में, मॉर्फोलॉजी से लेकर पैलियंटोलॉजी तक, ये आपका आज का होमवर्क है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी एंड पैलियंटोलॉजी, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। मॉर्फोलॉजी टू पैलियंटोलॉजी। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। हैंड रेस करें, जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करें। वर्दा पूछो क्वेश्चन। बायोफिजिक्स करवा दे। बायोफिजिक्स, अच्छा, यस सर। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम बायोलॉजी और फिजिक्स का रिलेशन पढ़ते हैं। किस तरह रिलेशन पढ़ते हैं, हम इसमें बायोलॉजी के जो फिजिक्स के जो टूल्स या प्रिंसिपल्स हैं या फिर फार्मूलाज वगैरह हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन आप देखते हो, एमआरआईज आप देखते हो, एंजियोग्राफी है, एक्सरे है, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये चीजें कहाँ से आती है, ये फिजिक्स वाले रूल्स पे काम करते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के लिए। ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे का एक इमेज है, ये जो है इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, तो ये सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के लिए। जी, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, नवीद सर, बायोलॉजी बाय ज्योग्राफी जरा समझाए। बाय ज्योग्राफी, बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, बाय मींस लाइफ या लिविंग थिंग, ज्यू का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। बायो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स जो जमीन के सरफेस पे मोर देन 1.5 मिलियन काइंड्स मौजूद है, वो लिविंग थिंग्स अलग एरियाज में डिफरेंट क्यों है, ये हम सब पढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी में। लिविंग थिंग्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली पढ़ते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, होमवर्क नोट करो, कल मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।